अगर आप इस विजुअल को देख रहे हैं तो ये कोई बीहड़ इलाका नहीं है, ये सड़क है और इसकी दुर्गति आप देख सकते हैं, खंभे और इनसे लटकती हुई तारें, ये कल को किसी हादसे की वजह बन सकती है। टूटी हुई सड़क और गड्ढे जिनमें भरा पानी लोगों की मुसीबत का कारण बना हुआ। मैं दोबारा कहना चाहूँगा, ये कोई बीहड़ इलाका नहीं है, ये इलाका है शहर से सटे हुए इलाके का, वार्ड नंबर 32 की कहानी आज आप सुनेंगे मेरी ज़ुबानी। इन गड्ढों पे जब आप नज़र डालेंगे, क्या मुमकिन है यहाँ के निवासियों का इस सड़क से चल पाना? इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लिखें। आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ आ रहा है वो पतली बनियों पे चढ़कर आ रहा है। जो रास्ता लोगों के चलने के लिए होना चाहिए वो रास्ता अब रहा नहीं। तो क्या है इसकी वजह, चलिए जानते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना रोड नहीं बनाया गया है, 2017 से हम अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए, रोड अभी तक रोड के लिए अप्लाई नहीं किया है। मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं, जैसे ना ही ड्रेनेज बनाया है ना ही रोड बनाया है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे ना चलने में भी दिक्कत होती है। जैसी बारिश होती है ना तो वैसे ना मड मिट्टी है वहाँ पे सारी जगहों पे, तो मिट्टी में खड्डे खड्डे बन के ना हम चल भी नहीं पाते हैं वहाँ से। वार्ड नंबर मैम, वार्ड नंबर 32 है ये, रखवाला बदर, तुलोकपुर विलेज करके कोई स्पॉट आता है, तुलोकपुर कैंप। हाँ, तो मैम कितने साल, 2017 से आप बोल रहे हो, तो कंप्लेंट की यहाँ पे किसी ने? एप्लीकेशन दी हुई है RNP डिपार्टमेंट को, उसका पैसा भी आया हुआ है तो, बट वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे सेंक्शन ही नहीं किया है रोड के लिए, बट पैसा आया हुआ है पीछे से, 2 साल से आया हुआ है, बट वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहे। RTI है कि क्या, लेटर्स आपने जो कंप्लेंट की है वो है? ये कंप्लेंट वाली लेटर्स है जो 2017 से हम करते आए, 17-18 और आगे भी है। ऑपरेशन हुआ इनका, टैंकिंग का ऑपरेशन भी हुआ इनका, तो यहीं पे गिरे जी। तो ये जो रास्ता मिट्टी वाला, ये बरसातों में ऐसा होता है, बरसात में इतना भरा हुआ होता है कि हम इधर उस पार नहीं जा सकते हैं, इतनी दिक्कत। तो अगर कोई रात को बीमार हो गया तो क्या इधर कोई गाड़ी वाला आएगा? हमारे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी वाला आया मानेगा इधर आने को ये रोड देख के, और ऑटो वाला मानेगा? इसलिए हमें बहुत दिक्कत होती है, ये हालत है इधर की। आप मैम बता रहे थे कि यहाँ पे शॉक लगने के भी चांसेस है, वो कैसे? यहाँ पे ना जो पोल है यहाँ पे ना तारे मतलब इलीगली सप्लाई करते हैं लाइट्स की, तो वो ना पानी वहाँ पे जमा होता है उसके बीच में तार लगा के वहाँ पे कनेक्शन देते हैं, तो अगर कभी बारिश ज़्यादा हो गई और अगर कोई बच्चा ही गया या बुजुर्ग ही गया कोई, तो अगर उसको पता नहीं चला तो वो वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा ही उसको। ऐसा क्यों आपको लगता है कि आप लोग इस जो बेसिक मूल्य चीज़ें लोगों को चाहिए उन चीज़ों से आप वंचित हैं, उन चीज़ों से आपको अलग रखा गया है? क्योंकि गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है हमारे लिए, वो कुछ भी नहीं, मतलब हम अगर कंप्लेंट भी करेंगे तो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो कॉर्पोरेटर ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई भी एक्शन नहीं लिया हमारे बाद में भी, मतलब ये जब कॉलोनी बनी ना उसके बाद भी और 2 कॉलोनीज बनी है, वो थोड़ा आगे है, तो वहाँ पे भी पिछले हफ्ते मंडे को उधर पे रोड बना दिया, वहाँ पे रोड बना हुआ है, बट यहाँ के लिए उन्होंने कहा कि पैसा ही नहीं आया, हमें बताया ही नहीं गया। मैं वहाँ पे उनके साथ बात भी की थी जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है जिसने वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जेई से बात कर लो, हमने जेई से भी बात की तो वो बोल रहा है कि हमारे पास पैसा ही नहीं आया इसके लिए, सैंक्शन ही नहीं हुआ है। अंकल आप कोई गुहार लगाना चाहे LG साहब से? हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके लिए कोई समाधान निकाल ले ताकि हम जैसे लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। मैं आपसे फिर भी रुक कर 2017 से हम एप्लीकेशन देते रहे हर एक महकमे में, म्यूनसिपलिटी में अलग और PWD में, मगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है, बोलते कल परसों 1-2 महीने ठहरो, करता कोई नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। चलते चलते पानी इतना होता है कि चलना मुश्किल हो जाता है, चिकड़ हो जाती है तो चलना मुश्किल हो जाता है। मेरी टांग टूट गई है, मुझे 32 टांग आए हैं इस सड़क की मेहरबानी से,
गवर्नमेंट सोया है, यहाँ सिर्फ उन लीडर के लिए सड़क बनती है जहाँ उनको वोट मिलेंगे, यहाँ दो चार घर है, चार घरों के लिए कौन पूछता है? ये नहीं तो ये हालत थोड़ी होनी थी। आप पूरे गांव में देखो, हर एक गली, हर एक कोचे, हर एक सड़क पक्की बनी हुई है। क्या प्रॉब्लम है इसकी? ये तो अगर नाली की प्रॉब्लम है, नाली के तो रहने दो, कम से कम मेटल तो डाल दो, आने जाने की सुविधा होगी। दो बार ऑपरेशन आया है, 2 लाख रुपए मुझे लगे और लंगड़े की तरफ मुझे चलना पड़ता है, मैं अब जा नहीं सकता हूँ। अगर बारिश आ जाए कहाँ जाएगा? अगर मुझे अभी डॉक्टर के पास जाना होगा, मैं कहाँ कैसे जाऊँगा? अब यही रिक्वेस्ट है एलजी साहब से कि इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। ये है आनंद नगर में साइड में टाइलें लगी थी, वो उखाड़ दिए, नया लगा दिए, क्योंकि वहाँ लोग रहते हैं, यहाँ जानवर रहते हैं, गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ जानवर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वोट है, यहाँ पर वोट नहीं है। और जैसे हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और पीडब्ल्यूडी थर्ड आरएनबी डिपार्टमेंट जो है उनको, उन्होंने 2 साल से हमें बोला कि हमने टेंडर भरा हुआ है। टेंडर अगर भर रहा है तो पैसा तो आया ही होगा, वो टेंडर कहाँ भरा है उन्होंने? यहाँ के लिए तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो जितनी बार आप जाते हैं आपको बोलते कि टेंडर भरा, हाँ टेंडर भरा हुआ है, हम भर रहे हैं टेंडर। अगर टेंडर भर रहे हैं तो पैसा नहीं आ रहा है क्या? पैसा आया भी है, ये नहीं है कि पैसा नहीं आया, पैसा आया है, बट वो कर ही नहीं रहे हैं कुछ इसके लिए। जेई 2 साल से हमें लटका रहा है ऐसे। तो मतलब आपको 2 साल से झूठे वादे दिए हैं, आश्वासन झूठा दिया हुआ है, सिर्फ हमें ऐसे ही मतलब लारे लगवा रहे हैं कि हम कर रहे हैं काम, पर काम कुछ नहीं हो रहा।